यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सेल आईटी में सन 2017 में एस्टैब्लिश हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत विषयों का अध्ययन ठीक ढंग से हो सके उसके बारे में एक रणनीति तैयार करना है, और साथ ही साथ AICTE इंडक्शन प्रोग्राम जो कि पूरे देश में लागू है उसको हम लोग अपने तरीके से, जिसमें कि मुख्य आवश्यकता शिक्षकों की है और उसमें 1:20 के रेशियो में हमको शिक्षक तैयार करने हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ इस विषय इसके तहत कई FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग 1:20 के रेशियो में शिक्षकों को तैयार करते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का मुख्य काम शिक्षक को तैयार करना और साथ ही साथ इस विषय को हर स्टूडेंट फैकल्टी तक पहुंचाना। इसका मेन जिस्ट ये है कि किस तरीके से मानव का संबंध एक दूसरे से चल सके, एक दूसरे के परस्परता में जी सके। अगर हमको कहना हो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एक लाइन में अगर हम लोग उसको डिफाइन करें तो हम लोग ये कह सकते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ मीन्स एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। इट मीन्स कि हम लोग एक दूसरे के साथ अगर हम लोग व्यवस्था में, चाहे वो हमारे मानव से मानव का संबंध हो, चाहे वो मानव का परिवार में संबंध हो, चाहे वो मानव का समाज से संबंध हो, चाहे वो मानव का प्रकृति से संबंध हो और चाहे वो मानव का एग्जिस्टेंस से संबंध हो, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इस मारे हम लोग की जो इंजीनियरिंग वैल्यूज़ हैं, अगर हम लोग मानव मूल्यों की बात करें तो मानव मूल्य अगर इंजीनियरिंग वैल्यूज़ के साथ, इंजीनियरिंग एथिक्स के साथ मिलेंगे तो हम लोग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मानव को मानव का परिचय कराना है। धन्यवाद।